दवा असर दिखाती है और दुआ चमत्कार ये कोई कहावत नहीं जिंदगी की सच्चाई है इसको हर किसी ने महसूस किया है चाहे आम आदमी हो या फिल्मी स्टार बॉलीवुड में ऐसी अनेकों घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें बड़े बड़े फिल्मी स्टार मंदिर और मजारों पे जाते हुए देखे जाते हैं सिनेमा प्रेमी भी अपनी अपनी पसंद के हीरो हीरोइन के लिए दुआ मांगते हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमिताभ बच्चन का है फिल्म कुली में एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे इस घटना को सिनेमा प्रेमी और अमिताभ बच्चन के प्रशंसक भूल नहीं सकते हम कुल्ली की उस घटना की चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म कलकी से बात शुरू करते हैं क्योंकि फिल्म कलकी में भी अमिताभ बच्चन को शूटिंग के समय चोट लगी है कलकी की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है कलकी में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा की भूमिका निभा रहे हैं फिल्म कल्की में प्रभास, अमिताभ बच्चन कमल हासन दीपिका पादुकोण जैसे बड़े कलाकार काम कर रहे हैं फिल्म पौराणिक कथाओं पर आधारित कलकी अवतार की कहानी है कलकी का बजट 600 करोड़ का है जो अब तक के सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी फिल्म कल्की की शूटिंग में अमिताभ बच्चन को दाहिनी पसली में चोट लग गई और वो घायल हो गए इससे शूटिंग कुछ समय के लिए रुक गई और अमिताभ बच्चन को आराम करने के लिए कहा गया है लेकिन आराम करना उनकी आदत में नहीं है इसी आदत के चलते उन्नीस में अमिताभ बच्चन मौत के मुंह में जाने से बच गए थे ये हादसा फिल्म कुली का है जिसे मनमोहन देसाई बना रहे थे फिल्म कुल्ली के कलाकारों में अमिताभ बच्चन रति अग्निहोत्री ऋषि कपूर शोमा आनंद वहीदा रहमान कादर खान और पुनीत इस्सर के नाम शामिल हैं फिल्म कुल्ली की शूटिंग बेंगलुरु में हो रही थी फिल्म में अमिताभ बच्चन कुल्ली का रोल कर रहे थे पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट का सीन होता है जिसमें पुनीत इस्सर से अमिताभ बच्चन को मुक्का मारने को कहा गया और अमिताभ बच्चन को टेबल पर गिरना था फाइट सीन शुरू हुआ पुनीत इस्सर विलन के कैरेक्टर में नेचुरलिटी लाने के लिए जोश में आ गए और शूटिंग में अमिताभ बच्चन के पेट में जोरदार मुक्का मार दिया और अमिताभ बच्चन बेहोश होकर गिर गए सेठ पर अफरा तफरी मच गई मनमोहन देसाई ने तुरंत अमिताभ बच्चन को बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उनका इलाज होने लगा लेकिन आराम नहीं मिला अमिताभ बच्चन की तबीयत दिनों दिन बिगड़ने लगी ये खबर समाचार के जरिए बॉलीवुड में फैल गई और देश के कोने कोने तक पहुंच गई अमिताभ बच्चन के प्रशंसक परेशान हो गए मुंबई में उनके बंगले के बाहर लोगों की भीड़ लग गई दुआओं प्रार्थनाओं के लिए लोग मंदिर और मज़ारों पर जाने लगे डॉक्टर अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी मनमोहन देसाई घबरा गए जया भादुड़ी उन्हें मुंबई लाने का प्रयास करने लगीं इस कोशिश में कई दिन गुजर गए अमिताभ बच्चन की हालत देखकर डॉक्टर हिम्मत हारने लगे इसी कश्मकश में अमिताभ बच्चन को बेंगलुरु एयरबस से मुंबई लाया गया और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया अमिताभ बच्चन की हालत बहुत नाजुक हो गई थी उनके पेट के निचले हिस्से से लगातार खून बह रहा था जिससे उनका बदन बेजान होने लगा इलाज के लिए विदेश से डॉक्टर भी आ गए थे बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश चिंतित था उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ध्यान भी अमिताभ बच्चन पर केंद्रित था डॉक्टर इलाज कर रहे थे और अमिताभ बच्चन के चाहने वाले दुआ कर रहे थे लेकिन असर दोनों का नहीं दिख रहा था एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन को डॉक्टर्स ने मेडिकल के हिसाब से मृत घोषित कर दिया इस खबर से सनसनी फैल गई अमिताभ बच्चन के प्रशंसक डॉक्टर्स को खून से खत लिखने लगे अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर लोगों की भीड़ लग गई अलग अलग शहरों में हवन यज्ञ और मजारों पर दुआएं होने लगीं अपने सुपरस्टार के प्रति ऐसी मोहब्बत थी कि लोग अपने बच्चों की जान के बदले अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य की कामना करने लगे डॉक्टरों ने भी हिम्मत नहीं हारी अमिताभ बच्चन का इलाज करते हुए संजीवनी की तरह एड्रेनालाइन इंजेक्शन देकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया इस चमत्कार से सबकी उम्मीदें बढ़ गईं। आखिर में डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई और ऑपरेशन के तीन दिन बाद अमिताभ बच्चन की हालत में सुधार होना शुरू हुआ फिल्म के हैप्पी एंड की तरह अमिताभ बच्चन को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई हजारों चाहने वालों की भीड़ हॉस्पिटल और बंगले के सामने अपने हीरो का इंतजार कर रही थी अमिताभ बच्चन ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिंदगी और मौत के बीच का ये संघर्ष मेरे लिए अग्नि परीक्षा थी आप सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं से मैंने जिंदगी की बाजी जीत ली है मौत को हरा दिया है मेरे घर वालों की प्रतीक्षा खत्म हुई और मैं अपने घर प्रतीक्षा लौट रहा हूं अमिताभ बच्चन ने घर पहुंचकर एक बार फिर प्रशंसकों के प्रति आभार प्रकट किया अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने कुली जिंदाबाद के नारे लगाए अमिताभ बच्चन के ठीक होने से मनमोहन देसाई ने भी मालिक का शुक्रिया अदा किया और फिल्म कुली की शूटिंग की योजना बनाने लगे मनमोहन देसाई से ज्यादा पुनीत इस सर को खुशी हुई उन्होंने अमिताभ बच्चन से मिलकर इस घटना के लिए एक बार फिर माफ़ी मांगी अमिताभ बच्चन ने पुनीत इस्सर को गले लगाकर सब गिले शिकवे दूर कर दिए थोड़े समय के बाद फिल्म कुली की शूटिंग फिर से शुरू हो गई फिल्म कंप्लीट होकर 2 दिसंबर उन्नीस को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई सिनेमा प्रेमी अपने सुपरस्टार की फिल्म देखने उमड़ पड़े और फिल्म कुली सुपरहिट हो गई और फिल्म ने गोल्डन जुबली का जश्न मनाया एम एस के डिजिटल भी अमिताभ बच्चन की लंबी उम्र के लिए दुआ करता है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल एम एस की डिजिटल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स और शेयर करें नमस्कार धन्यवाद